हेलो शूटर, मेरा नाम रमेश काद्यान है और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर हूँ। बहुत से शूटर के हैं मेरे पास सवाल आए हैं कि उनकी होल्डिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। राइफल होल्डिंग में या पिस्टल होल्डिंग करते समय उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके शॉट अच्छे नहीं जा पाते। तो आज हम राइफल और पिस्टल होल्डिंग के बारे में बात करेंगे कि आप अच्छी होल्डिंग कैसे सीख सकते हैं। होल्डिंग एक शूटर दो तरीके से करता है। पहली होल्डिंग होती है फिजिकली, आपकी मसल स्ट्रेंथ के ऊपर, आपके मसल कितने मजबूत हैं। यदि आपका शरीर काफ़ी वीक है, मसल में पावर कम है, तो आपके हथियार, आपका वेपन काफ़ी मूवमेंट करेगा। आपकी ब्रीदिंग अच्छी नहीं है, ब्रीदिंग का सीक्वेंस ठीक नहीं है, आपके ट्रिगर की टाइमिंग ठीक नहीं है, तो आपकी होल्डिंग ख़राब होती रहेगी। यह है फिजिकली होल्डिंग। तो फिजिकली होल्डिंग में मैंने आपको बताया आपकी मसल पावर, आपकी ब्रीदिंग, आपकी ट्रिगर टाइमिंग, जिसके कारण आपकी होल्डिंग काफ़ी ख़राब हो सकती है। दूसरा, मेंटली होल्डिंग, दिमाग से की गई होल्डिंग। दिमाग की होल्डिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, जिन बच्चों को शूटिंग करते समय प्रेशर आता है, धड़कने बढ़ जाती हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस बच्चे की होल्डिंग भी काफ़ी ख़राब रहती है। हम इसको सुधार कैसे सकते हैं, जैसे कि फिजिकली होल्डिंग को हम लेते हैं, तो फिजिकली होल्डिंग के लिए आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको हर रोज़ योगा करना चाहिए। आप सिर्फ शूटिंग को एकेडमी पे जाके गोली फायर करने को शूटिंग ना समझें। अगर आपकी होल्डिंग अच्छी करना चाहते हैं आप, तो हर रोज़ आप दौड़िए, आपकी एक्सरसाइजें कीजिए और योगा कीजिए, जिससे कि कुछ एक दिन में, 6 महीने में या साल भर में आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये ना समझे आपको 1 हफ्ता या 10 दिन हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए और आपकी होल्डिंग अच्छी हो जाएगी। नहीं हो पाएगी ऐसे में होल्डिंग अच्छी, आपको कम से कम 6 महीने साल भर ही एक्सरसाइज करनी होगी। दूसरा होता है आपकी ब्रीदिंग का, आपको ब्रीदिंग को अपने कंट्रोल में रखना होता है। और ब्रीदिंग को कंट्रोल में आप कैसे रख सकते हैं कि जब आपकी ब्रीदिंग आप रोकते हैं होल्डिंग के साथ में, जब आप अपनी ब्रीदिंग को रोकते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग रुकने के 10 सेकंड तक आपका शॉट रिलीज हो जाना चाहिए। अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा अपनी ब्रीदिंग को रोकते हैं, तो आपकी मूवमेंट बढ़ जाएगी 10 सेकंड में, अगर आपका शॉट फायर नहीं हो पाता है। फिर तीसरा कारण है फिजिकली आपका ट्रिगर ऑपरेशन। अगर ट्रिगर ऑपरेशन के टाइम पे आपके ग्रिप के अंदर मूवमेंट आती है, तो भी आपकी होल्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए आप ड्राई ट्रिगर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी होल्डिंग में सुधार आएगा। अब दूसरे जो मैंने आपको बताया, साइकोलॉजिकल मेंटली होल्डिंग, यदि आपके ट्रिगर प्रेस के टाइम पे थॉट्स बढ़ जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन वीक है, तो भी आपकी पिस्टल राइफल के अंदर मूवमेंट बढ़ जाएगी। इसको रोकने के लिए आपको हर रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए, अपने कोच से आपको सजेशन लेना चाहिए कि आप कैसे अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं शूटिंग के टाइम पे। और जो भी आपको सजेशन दिया जाता है कोच के द्वारा, उसके ऊपर आप 100% 100% अमल करेंगे, तभी आप अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यदि आपका होल्डिंग से संबंधित या शूटिंग से संबंधित कोई समस्या होती है, तो आप हमसे उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ में हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि काद्यान शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी ने अभी एक PG की शुरुआत की है। जिन बच्चों को अच्छी कोचिंग ना मिल पा रही हो, या फिर जो बच्चे अच्छी तरह अपना बेसिक तैयार नहीं कर पाए हैं शूटिंग के अंदर, वो हमारे पास आ सकते हैं। हम शूटिंग का 3 मंथ का एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें बच्चों को शूटिंग की बेसिक नॉलेज दी जाती है।
जिसमें आपकी होल्डिंग, आपकी एमिंग, आपका नेचुरल अलाइनमेंट, आपकी ट्रिगरिंग, आपका साइट पिक्चर, इन सब के बारे में समझाया जाता है। तो आप 3 मंथ के लिए हमारे पास आ सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर ठहरने की उचित व्यवस्था मिल जाएगी और हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी शूटिंग को और बेटर बनाने के लिए। आपका कोई भी सवाल या कोई भी समस्या हो तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। काद्यान शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी, जिस पर 2 अंतर्राष्ट्रीय शूटर कोचिंग करते हैं, हम आपकी भरपूर सहायता करेंगे और आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद।